यस बैंक में जो एक्शन आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे पहले ही बाजार खुलने से पहले आपको निकुंज ने आगाह कर दिया था और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में करेक्शन है 5% के आसपास का। हालांकि ये एक छोटे टेक्सटाइल्स का शेयर है तो 5% ज्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आज 21 रुपए के आसपास जाकर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रुचित, आपसे जरा एक चेक लेना चाहेंगे टेक्निकल। आप ये बताइए कि जो तर्क है निकुंज के कि यहाँ से री रेटिंग के जो ट्रिगर्स थे अब वो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं और यहाँ से अब फर्दर अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आप ये बताइए कि यहाँ से ये शेयर आपको क्या साइडवेज लग रहा है, यहाँ फर्दर डाउनसाइड आपको दिख रहा है, स्टॉप लॉस आप कहाँ पर लगाने की सलाह देंगे? जी वेरी गुड मॉर्निंग। रिसेंटली हमने देखा कि एक ब्रॉड रेंज स्टॉक ने बनाया था 15 से लेके 18 रुपए का, जहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने वो रेंज में ट्रेड किया था और जैसे ही 18 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया, क्योंकि बाकी सारे बैंक्स ने इतनी अच्छी तेजी दिखाई थी, मिड साइज बैंक्स ने, तो आई थिंक ये कहीं एक कैचअप मूव, जैसे हम कहेंगे कि कैचअप मूव ये स्टॉक ने दिखाया है। पर फ्रेंकली अगर ये सस्टेनेबल वेदर अप मूव रहेगा या बड़े अप मूव यहाँ से और कंटिन्यू रहेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। एट द मोस्ट आई थिंक जो रेंज से 15 से 18 थी वो अब शिफ्ट हो जाएगी फिर से 18 से 22-24 की रेंज तक। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे सिग्निफिकेंट अप मूव आएगा, लेकिन आपको ये ब्रॉड रेंज में ज्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक में कंटिन्यूड रहेगी। सो स्टॉप लॉस तो काफी लंबे है यहाँ पे, क्योंकि जैसे वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी स्टॉक में तो आपको अप्स एंड डाउन डेफिनेटली ज्यादा दिखेंगे। सो अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो उनके लिए 18 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा। फ्रेश बाइंग के लिए अगर आपने पहले रेंज में लिया हुआ है 15 से 18 के रेंज में तो होल्ड कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज स्टॉक चल चुका है तो इसको अभी चेज नहीं करना चाहिए। ये राय कि स्टॉक का पीछा मत करें, स्टॉक काफी ज्यादा चल चुका है, अगर आपके पास 15 से 18 वाली रेंज में तो। इसी तरह न्यू फ्रेश वीडियो देखने के लिए शेयर अपडेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। बाय बाय एंड टेक केयर।